नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिला गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज के दो लोगों की एक्सीडेंट से हुई मौत के बाद परिवार के लोगों ने अंबेडकर रोड पर लगाया जाम, जिसमें मौके पर पहुंचे बसपा प्रत्याशी रवि गौतम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन दोनों बच्चों के परिवार वालों के लिए प्रशासन से 50 लाख मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग रखी और 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा, अन्यथा जन आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। न्यूज 9 भारत से दीपक यादव की खास रिपोर्ट। ये तो शुक्र हो कि ये हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, यानी बॉडी में दाग भी नहीं लगता हम जब आ जाते, और जो जो इसमें जांच अधिकारी आई है उसका रवैया इतना गंदा है, कोई जवाब नहीं। पीड़ित परिवार को घर जाना पड़ता है 10 बार जब बात होती है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।